नमस्कार दोस्तों, हिमनंदिनी हिमालयन ब्लेजर्स कल्चर के ब्लॉग में आपका पुनः स्वागत है। देखिए, मुंशियारी क्षेत्र में जो वन अनुसंधान रेंज पिथौरागढ़ के अंतर्गत आपको एक कुछ डिटेल बता रहे हैं। यहाँ पर एल्गी का गार्डन है जो वर्ल्ड में अपने आप में एक ऐसा गार्डन है जो सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है। एल्गी जो है विभिन्न प्रकार के लगभग 150 प्रकार की एल्गी की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये इसको यहाँ पर दिखाया गया है। इन्होंने अंदर, हालांकि ये हैदराबादी बिरयानी में भी ये जो है लाइकेन प्रयोग में लाई जाती है स्वाद को बढ़ाने के लिए। ये देखिएगा, ये जो हैंग हो रही है, अच्छा, अच्छा मसालों के रूप में लाइकन का, देखिएगा। ये देखिएगा, दोस्तों हिमनंदिनी हिमालयन विलेजेस कल्चर के ब्लॉग्स को आप जरूर देखिएगा। मैं इस प्रकार से आपको नई नई चीज़ें जो विलुप्त हो रही हैं, चाहे यहाँ की संस्कृति हो, जीव जंतु हो या कोई भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। ये अभी हम बता रहे हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो है एक क्लाइमेट इंडिकेटर, जो नेचुरल क्लाइमेट इंडिकेटर है, इसके रूप में काम करता है। ये कई प्रकार की होती हैं। ये चट्टानों पर, पेड़ों पर और देखिए पत्थरों पर ये उगती हैं। ये डायनासोर्स के टाइम से, ये इसलिए डायनासोर का दिया गया है कि डायनासोर्स के टाइम से ये हैं, जबकि उस समय की कुछ ही चीज़ें आज जीवित हैं। उनमें से जीव जंतु में जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच को भी डायनासोर के टाइम में बताया जाता है। ये देखिएगा, वो क्या है लास्ट में, अच्छा डिस्प्ले बॉक्स, जी 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 जी। देखिए कितना हमारे जो है वन अनुसंधान संस्थान ने जो है किस प्रकार से कितना अच्छा काम किया है। ये जबकि वर्ल्ड में अपने आप में एक पहला रिसर्च सेंटर है लाइकेन पर। हमें अपनी प्राकृतिक संपदाओं को बचाना चाहिए। ये देखिएगा, ये अलग अलग टाइप से इन्होंने हर्ट्स में कहीं भी ये उग जाती हैं और हर लाइकेंस के अलग अलग यूजेज हैं। देखिए इस मिरर में सामने पंचशीली पर्वत है, किस प्रकार से रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए इनका म्यूजियम है, ये म्यूजियम में भी हमें, देखिए ये यहाँ की एक जो मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ की बेल्ट, ये मुंशियारी क्षेत्र जो है विभिन्न प्रकार की कीड़ा जड़ी जैसे प्राकृतिक जड़ी बूटियों वाला क्षेत्र है जो सिर्फ इसी बेल्ट में पाई जाती हैं और जो जिसको यहाँ के जानवर गाय हैं ये खाते हैं, उनसे कितना फायदा होता है ये आप देखिएगा। थोड़ा ये सारे लाइकेन स्पीसीज हैं, अच्छा ये जड़ी बूटियां हैं सारी यहाँ की। देखिएगा दोस्तों कितना, मतलब एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। इसको कई स्टूडेंट्स भी इससे फायदा ले सकते हैं। ये सब लाइकेन, ये सारे लाइकेंस हैं। देखिए
आप इनको देखिएगा जरूर। मेरा इस क्षेत्र में आने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है, मैं मुख्यतः यहाँ की जो बद्री गाय है उसके संरक्षण और संवर्धन के बारे में कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितना हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदा कितनी ज़्यादा है, ये देखिए टाइप्स ऑफ लाइकेंस देखिएगा। मेन जो हमारे लिए यूजफुल हैं ये वाली लाइकेंस हैं, ये देखिए लाइकेंस कई प्रकार के जो है पॉइजनस भी हो सकते ना, नहीं होती है कोई फंगल। तीन प्रकार है तो जी जी, प्रजातियां तो अलग सारी है ना। हाँ, लेकिन हाँ, ये प्रकार है जैसे क्रस्टोज है, क्रस्ट के रूप में होता है, प्रोटीगोज है, आसनी आसनी जो इसमें ये लटक रहे हैं, या प्रोटीगोज हो गया जी, पॉइजनस जो पिन टाइप के जी 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 जी, ये लीव्स टाइप में होगी ना। हाँ, ये लीव्स, ये पिन और ये बालों की तरह जो लटक जी, और ये क्रस्ट की तरह, ये क्रस्ट की तरह चिपके हैं जो इसमें पत्थर में जी 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 लाइक जी जी। ये देखिए हिस्ट्री ऑफ लाइकोलॉजी देखिएगा, अच्छा डॉक्टर डी के उप्रेति, डॉक्टर डी के उप्रेति नाम तो सुना हुआ लग रहा है। ये आईवीआर के अभी निदेशक से रिटायरमेंट हुए। अच्छा आईवीआर कौन से, मुक्तेश्वर लखनऊ, लखनऊ से बरेली, लखनऊ आईवीआर इज्जत नगर बरेली में है ना, नहीं लखनऊ में भी है। अच्छा लखनऊ में भी है जी, देखिएगा जी एक मिनट। हाँ ये आर्टिफिशियली इनको इंडिकेट किया गया है, ये तो एक कहानी बना रखी है। हाँ 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 हाँ, सिंबॉलिक तौर पे जी। बाकी मेन जो था ये सैकों का उपयोग, सैकों, अच्छा यही जो ये हिंदी हिंदी नाम सैक हुआ इसका, कवक। हाँ सैक सैक सैक, ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि हमारे पहाड़ में कितनी प्राकृतिक वन संपदा है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसका हम कितना अच्छा इसको उपयोग कर सकते हैं। जैव सूचक जी ये बायो इंडिकेटर है दोस्तों, ये देखिएगा जैव सूचक, ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये एल्गी जो लाइकेन है ये इस बात का एक सूचक है कि प्रदूषण कितना, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी लाइकेन कम होगी। जो मैंने आपको बताया था कि 40 साल पहले पूरे पेड़ों तक लटकी रहती थी, आज वो पेड़ों की जड़ों तक, वो भी कुछ सीमित जगहों पर सिमट के रह गई है। ये सब हमारा प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन के कारण है। अच्छा जी जी जी, कहीं पर भी उग सकती है। हाँ, कोई लेकिन कहीं पर उगने का मतलब यह है कि ये हमारे लिए लाभदायक कितना है। हाँ, और इसका सामाजिक महत्व कितना है। ये देखिएगा लाइकेन का जो एक वो है कि ये एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशन की एक भोजन देता है, दूसरा उसको संरक्षण देता है। और ये हमें भी सीखना चाहिए कि हमें किसी को यूज एंड थ्रो वाले नहीं सोच होनी चाहिए, बल्कि जिससे हमें फायदा मिल रहा है तो हमें उनको भी सहयोग करना चाहिए। ये इसका एक सामाजिक महत्व है। मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरा हिमनंदिनी हिमालयन कल्चर्स विलेजेस कल्चर्स करके ब्लॉग है, तो मैं इसको उसमें डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या बताया? प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी जी फॉरेस्टर हैं आप यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।